एक छोटी सी भी दस का विधा आपने सुन रहे, समय भी हो गया है। भूमिका है दो शब्दों नौजवानों के लिए लिखा गया, बाबा क्या लिखा गया है, क्या बात है। मदन लाल गाथा ये बनदानिया, वक्त पर पैर पीछे हटाते नहीं। दो लाइन उन शहीदों की आवाज रही है, क्या आवाज रही है हमारे देश के नौजवानों की, हमारे देश के जवानों की क्या आवाज रही है। हमारे शहीदों की आवाज नहीं है, कौन सी आवाज है बाबू, कौन सी गौर है अपने। संसार से नाराए मेरा शान झुकने
संजोग से लगा है कि बात का दलन बा गीत लगे संजोग गीत मास्टर साहब देखे संत महात्मा की बात है पूजा पाठ करने जाते हैं दर्शन दलिया करने जाते हैं टोली बना लेते हैं एक टोली जवाब देती है एक टोली सवाल करता है कैसे लोग आओ भैया संतों गीत बताओ लगे और ये कराई रोले और गंगा जी बाई
सावधि उल्लंघन भैया बाबू राम धाने करिया मोबाइल पे करने लगे तो शादी तक ले ही बेटा बढ़िया लड़की लाओ पढ़ा लिखा लड़की आला मंजूर हुई तो हाँ कर दे नाइट मेहमान से हाँ जो ले ला हस बड़ा खुल गई कहा बाबू अरे आप जो है ना बाबू होगा कवन बाबू बता रहा है बाबा बाबा और कहा कुल दीप माई और देई के चना चेहरा याद नहीं है बाबू बचपन में जन्म देकर माँ दुनिया को छोड़कर चली गई आपने माँ का प्यार दिया पिता का दुलार दिया भाई जैसा आपने सम्मान दिया है अब वही तो हमसे पूछा था हुआ अरे नेवता बतवाला 10 दिन रह जाए हम आ जा पूरा सामान जुटा देगा तू चिंता मत कर कैसे कदम भैया थे गीत लगे मास्टर साहब दुलहन गगौना करा के परदेश चल गल बा ओ हो वही जाला कम सतावत बा लेकिन जब जाला लगन सताव है हां एक बात कह दे क्या कह दे भैया कौन गीत बा मास्टर राजा
चूड़ा से शादी कर लेते हैं, रौना करा कर घर लाए, एक हफ्ता बिता है, छुट्टी खत्म हो गई। बड़ा मायूस है जब वो लड़का बैठा है, दुल्हन के निकाह पर गए खलन का स्वामी बाबा बड़ा उदास हुआ, खलन ताकर पता नहीं के मनवा ना लगे फला, खलन चिंता मत करा मुझे गर्व होता है, पढ़े लिखे लड़के हूँ मुझे गर्व होता है, मेरा पति सीमा का सिपाही है, मेरा पति फौजी है, इसके बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं। सात दिन सपना हो, सात दिन सपना के साथ में बितावा है, हिलने मत देना स्वामी, अगर जरूरत पड़ जा पैर आगे को बढ़ाना, कभी पैर पीछे नहीं हटना चाहिए। हंस पड़ा कुलदीप, कहा तुम्हारी क्यों बोल रही है, कहा खलील स्वामी चिंता मत करा, हमारी विधवा है आपके साथ, समान बदगल अपेक्षी लेलन दुआरी के गेलन आंधनी दादा रवन कलन बाप बेटा चल चार कदम पहुंचा दे। रास्ते में कुलदीप बता रहे पिताजी इस बार आएंगे ना तो हर आंख बनवा दूंगा, खलम बेटा मुझे आंख की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता रहती बेटा, हरे सुनने में आता है अनायासी बोलियां चलने लगती है, संभाल कर रहना बेटा। हाथ खड़ा कुलदीप, कहा बाबा बापू आपका आशीर्वाद साथ है ना, बस आगे चल पड़ा सीमा पर, पहरेदारी का काम कर रहा है, 8-9 महीना बीत गया, दो सिपाहियों के साथ बैठा है सीमा पर, तब तक एक घटना घट गई बाबू, कौन घटना घट गई है तो सभी रस के लाइन लगवाया, आतंकी हमारे देश में प्रवेश कर गए, काफी संख्या में आतंकी हैं। बारे जवान नया लड़का था, जोश में होश खो बैठा,
दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो करता क्या है बाबू क्या करता है। कैसे सरहद पर आतंकवादी घुस गए जाते हैं अपने देश की सीमा में, गौर करेंगे आप लोग। इंसाफ राइफल लिया था जो कि हमारा हमारे देश का राइफल इंडिया बना इस राइफल को। आओ देखा न तो शुरू कर दिया कौजनों के मारा है बाबा, कितने लोगों को मारा है तेरा आतंकी चलाने लगा, मेरा आतंकियों को मारकर गिराया है। लेकिन दो साथी जो साथ के थे घायल हो गए, एक तो तुरंत मर जाता है, एक जो है लुढ़का दौड़ पड़ता है, कुलदीप ले लिया सर को गोद में, बोल रहा है कि भैया मैं अपने देश को भारत माँ को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन कोई पापियों को अपने देश के अंदर आने मत देना, कहते हुए अपने प्राण को त्याग देता है। बड़ा मायूस हो गया वो नौजवान। तब तक क्या होता है बाबू बाबा गौर करी है आप लोग। तब लेकर गोलिया के धसा गैला सेनावा हो, और तब लेकर गोलिया के धसा गैला सेनावा हो, बेहोश होकर के गिर गया है। इतने देर के बाद बारे मालिक की महिमा हो सकता है, देखता क्या है, दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी, प्रकाश आ रहा था। वो नौजवान करता क्या है, अब भाई ना जब हो देखे दूर एक झोपड़ी सहारा मारी, खतर है मैं सवाहा नारा।
के पास धीरे धीरे पहुंचता है, दस्तक दे दिया दरवाजे पर, आवाज दे दिया, अगर कोई हो घर में दरवाजा खोल दे, विपत्ति आ पड़ी है, मेरा देश से प्रेम पड़ गया है। ये बाबू भरी निके रह, एक मुसलमान परिवार का वो झोपड़ी था, एक मुसलमान परिवार का वो घर था, झोपड़ी माँ और बेटी सुन लेते हैं, सायरा बानो वृद्धा औरत रहा करती थी, एक बेटी थी जिसका नाम था नगीना बेगम, आवाज दे देते बेटी देख कोई दरवाजे पर दर्द भरी आवाज में पुकार रहा है, नगीना बेगम कहूं कि माई आधी रात का समय है, कहीं चोर बदमाश तो नहीं, कहां पर चोर बदमाश होगा तो इस गरीब के झोपड़ी से क्या लेकर के जाएगा। अरे बाप और माँ और बेटी खेतों में मजदूरी किया करते हैं, शाम को दो वक्त की रोटी ही तो मिलती है, क्या लेकर चला जाएगा, एक तो ले। नगीना बेगम लाइट लेती है, जाकर दरवाजा खोल ले लें, कहा देख लें भैया गीत बदल गई मास्टर, बड़ा नया गीत आ गया, कैसे गौलन धीरे चला पौआ भारी सुनते हैं, दौड़कर आते हैं, बाबू दोनों मतारी बिटिया का खेल और करी है आप लोग चौखट पर बेहोश होकर भी पड़ा था, गोली लगी थी दाहिने सीने में, दोनों मतारी बेटी देखते हैं, सहारा देकर अंदर लेकर जाते हैं, जीतकर पर लिखाने का काम करती है, भाई साहब फौजी का खोलती है ट्रीटमेंट का सामान था, ट्रीटमेंट करना शुरू कर दी, ट्रीटमेंट के लिए भैया सहारा तो नीतिया मतारी उपचार देने बोलिए सारी उपचार देने बोलिए
होश आता है मुनीर को, बारे मतारी पूछा था बेटा तुझे भूख भी लगी है? हाँ माँ, देखते देखते झलकला हो चुका था, सुबह होने चला था, खाना बनाने अपने हाथ से किया हुआ लगने, तब तक जब बुढ़िया मतारी का बेटा इस्लाम था वो घर पर चला जाया, जल हाली आता नहीं था घर, पत्थल बाज लड़ता था, हमारे फौजियों पर पत्थल चलाया करते थे, ऐसा मिलता था उन लोगों को। जब से 370 खत्म हो गया, एक पत्थर बाज भी खत्म हो गए, आ गया देख लिया एक फौजी पड़ा है, आतंकवादियों से संबंध था उसका, कभी कभी रात को आतंकवादी आकर के उसके घर पर टीका करते थे, बाहर निकल गया, एक तो फौजी है, हिंदुस्तानी फौजी है, मोबाइल पर कुछ लोगों से बात किया, अपने माँ को बुलाता है, क्या कह रहे भैया? वाह वाह, और तबले सलाम और घर पे आए गई लंदी तवाम, मनवा में पापावा समाए गई लंदी तवाम, है बेटा बड़ा दिन पर आया है तू, अरे सुनना समय हम लोगों का लौट गया है, अपनी माँ को समझा रहा है, क्या समझा रहा है बाबू? लाइन बदल गई, गीत का कहा गीत लगा मारते गीत बजा देना मास्टर कि मोरे पीछे पैसा मिल रहा है, बढ़िया सा आलीशान घर बनाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। बुढ़िया मतारी सुने बेटा, क्या तू कह रहा है? अरे तू तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। बारे माई बुढ़िया माई का कहली अपने बेटा से, का कहली? और भेदी आप बताइए, खलिन बेटा तू पगला गया तो माई भेद बता दे लिए, का भेद बतौली? कि भेदी आप बतौली हम आतंकियन के जाई, मतारी पगला क्या तू कह रहा है? काफी पैसा मिलेगा, सुल्तान छोड़ देंगे, पाकिस्तान में चलकर आलीशान मकान बनाकर रहेंगे। बारे बढ़िया मतारी खली बेटा कौन है?
तू पाकिस्तान की बात कर रहा है? जो तभी वो पाकिस्तान धरती पर था ही नहीं। अरे हिंदुस्तान से ही तो पाकिस्तान बना है, कैसी तू बात कर रहा है? बारे बढ़िया में तारीफ की बात करते भैया, क्या कह रही थी मास्टर? हिंदुस्तान पर हमारे देश के लाखों लाखों वीर शहीद हो गए, तो पाकिस्तान की बात करता है? राज करते थे उस्ताद मौला, राज करते थे खुदीराम बोस, चपेकर भाई प्रताप सिंह सराभा, मदन लाल धींगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह, ऐसे ऐसे नौजवान अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए बेटा, अपने देश को आजाद कराने के लिए मर मिटे, लहू बहा दिए, और तू पाकिस्तान की बात करता है? एक ही बात कर ले कि जिस देश पे लाखों वीर मेरे अपना जान गवाए हैं, जब लहू से धरती लाल हुई आजादी को पाए हैं, धिक्कार तुझे है बेटा, माँ से करता करतारी है, खुद को बची बेटे के सीने में खंजर मारी है, खुद को बची है खंजर उठाई, बेटे के सीने में खसाल से चुभा देती है, तड़पने लगा, गिर पड़ा है धरती पर। ऐसे मुसलमान परिवार की मैं बात बता रहा हूँ साथियों, खड़ा होकर कुलदेव देख रहा, अरे माँ तू अपने बेटे को मार दी है, अरे बेटा ये तो एक है, ऐसा गद्दार बेटा अगर हमारे पास सैकड़ों है तो एक बुढ़िया मतारी मारने में जरा सा किसी संकोच नहीं करेगी। धन्य है माँ, तेरे जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। आगे ले चाचा जी, बाबू तब तक मोबाइल बज गया कुलदीप का, मोबाइल पर की बात कर रहा था बाबू, तो सब और कहानी यहां से मुड़ ले चल चल। बेटा हुआ है बेटा, आप ही पर तो गया है मुखारी, आप ही जैसा है, तीन दिन बाद बेटे की बराई है, हितनाथ गांव तुम सबको बाबूजी दरवाजे पर बुला लिए हैं, खाना पीना का व्यवस्था है, कई दिन से फोन ला तो ले स्वामी फोन ना लगत रहा है, संजोग से आज लग गया, छुट्टी लेके चली गई है, सभी लोग दरवाजे पर जुटेंगे, इतना कहते तब तो मोबाइल बंद हो गया, जिस आतंकियों को फोन किया था वो
बुढ़िया माँ का बेटा, चारे आतंकी आ जाते हैं, चारों तरफ से निशाना बना दिए कुलदीप के ऊपर। कैसे निशाना बना देने भैया, बाबा गौर करिए आप लोग। हलवा मास्टर बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पहले मैं अपनी जिंदगी गंवा दूंगी। नगीना बेगम कहां पीछे रहने वाली, दौड़ पड़ती है और अखबारी पकड़ लेती है उस नौजवान को। भाई कहती है भैया तू चिंता मत करना, तुम्हारे पहले तुम्हारी बहन शहीद हो जाएगी। तब तक गोली चला देते हैं, तीनों धरती पर गिर पड़े बाबू। बोली की आवाज सुनते हमारे देश के नौजवान पहुंच जाते हैं उस स्थान पर, चारों आतंकियों को मारने का काम किए। सम्मान सहित मतारी बिटिया कलाश दफना दिए, कुलदीप की लाश को लेकर चल देते हैं घर की तरफ। उनके कैसे चल दे भैया, करुण सारा ला ला आला। दरवाजे पर बाजा बज रहा है वर्दी वाला,
हितनाथ गांव को सभी दरवाजे पर जुटे हैं के साथ ही रहने दान दें दादा के दादा अब इधर बच्ची ना आया दादा कलम मोबाइल से बात हुआ है आता ही होगा तब तक गाड़ी पहुंच जाती है कलम लतवार बिठाया गया सामने से खड़ा होकर रामधनी दादा देख रहे हैं तमाम फौजी बैठे हैं उस गाड़ी में रामधनी दादा समझे थे बीमार बच्चे संगी साथियों को लेकर आया है तब तक फौजी जवान थे ताबूत को बाहर निकालने लगे हल्ला मच गया अरे कुलदीप नहीं आए कुलदीप की लाश आई है लाश जो जहां से सोना भाग करके दरवाजे पर आ गया मेला लग गया दरवाजे पर सपना सुने धराम से बेहोश होकर गिर जाते हैं 12 दिन का बेटा था गोद में छटक गया वही उठाया है पानी का छिटा दिया गया कुछ देर के बाद में होश आया ताबूत को खोला गया रामधनी दादा के पास समझ में आया उठो बाबू लाश को बाहर निकाली गई चेहरा देखे रामधनी दादा आंखें से आंख गिर थी बात रामधनी दादा कलर के बेटा कौन गलती तो पहले रही बेटा कौन गलती तो पहले रही आज इतना बड़ा तू सजा दे दिली बेटा बारे रामधनी दादा का कहत हम भैया कैसा घर से यहाँ पूरे चला तो कह रहा था आएंगे तो आंख बनवा देंगे अब अखिया की बनवाई भी था का कहन भैया रामधनी कि अब अखिया हमारे बेटा अब के बनवाई और गोदी ले सुगा नावा के सपना भी रखाई सपना की निगाह पड़ती है दौड़ पड़ती है 12 दिन के बेटे को लेकर के रामधनी दादा के पास भी कहूं बाबू तू रोत हुआ आपका कुलदीप मरा नहीं है आपका कुलदीप जिंदा है 12 दिन की विधवा की गोदी में थमा दिली भैया खाली बाबू ही आपके कुलदीप है बाबू आपका कुलदीप है आपका कुलदीप मरा नहीं है बाबू लेकिन गोदी में सेना के जवान लाश को खाते हैं रामधनी दादा एक कंधे पर अपने विधवा के अधिक उठवले हुआ एक कंधे पर अपने पोते को उठाए हैं 12 दिन का पोता है देख के लिए गांव वाले कोई ऐसा नहीं था जिससे आंख से आंस न गिरता हो चल दिए ले करके ऐसे चल दिल भैया सेना के जवान लाश को लेकर के तमाम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं बिहार का अंतिम लाइन नगर बाबू बाबा बताओ गे हो तो गुरु बिहार स्वामी सरजू लगा गए फुलवारी बढ़िया श्याम नारायण